नमस्कार साथियों, मैं रश्मि पंड्या शर्मा टिंटिन फिल्म एडवेंचर के कवि कल्चर लाइव शो में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस शो में हमारे साथ हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती सुधा जौहरी, जिनकी आयु 84 वर्ष है। वे अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही और राजस्थान सरकार से सेवानिवृत्त हुई। वे पिछले 60 वर्षों से आकाशवाणी के लिए कहानियां, कविताएं, नाटक और वार्ताएं लिखती आ रही हैं। तो आइए, ऐसी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हमारी वरिष्ठ कवियत्री श्रीमती सुधा जौहरी जी, जो कि जयपुर राजस्थान से हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ये हमारा भारत ही है जहां बड़े बूढ़े पंडित नाई लड़के लड़की की शादी तय कर देते हैं और शादी तय हो जाती है। पंडित जी आते हैं, 36 गुण मिलाते हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन से गुण मिलाते हैं। चलिए, ऐसे ही एक विवाह की कहानी हम आपको सुनाते हैं। हमारी कविता का शीर्षक है प्रणय गाथा। विद्यासागर का हुआ रामरति से ब्याह, विद्यासागर का हुआ रामरति से ब्याह, अंगड़ाई लेने लगी मधुर रंगीली चाह। थे कवि हृदय धनी शब्दों के अपने भाई विद्यासागर, रामरति भौजी को लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर। एक माह बीता पर प्रणय निवेदन का कोई मिला न मौका। देवर नंद है सास ससुर, फिर गैया भैंस है चूल्हा चौका। रामरति को लेने आए एक दिन उनके भैया, चली माय के हुलसाती अब मिलेंगे बापू मैया। विद्यासागर को झुलसाती विरह अग्नि की ज्वाला, कह न सके जो एक माह में चिट्ठी में लिख डाला। कैसे पढ़ पाएगी प्रेसी विद्यासागर भूले, अब जानेगी रामरति मंझूला ले हिचकोले। दो दिन में चिट्ठी क्यों आई रामरति घबराई, इतियो रे फुलवा पिया की पाती यूं पढ़वाई। कितनी क्लास पढ़ा है फुलवा, पढ़ देगा तू पाती, बुआ तीसरी पास करी है दे फूफा की पाती। कैसो बुरो लिखो है जैसे राई बिखरी बिखरी, ऐसी ही तेरे फूफा की मूछा छितरी छितरी। ये क्या लिखो है प्रिय आत्मा पुराने सुअरी, क्या हमको लिखा परेत आत्मा और पुरानी सुअरी। आगे पढ़ तू आगे पढ़, मन सूना है घर सूना, सूना दुनिया का मेला। हाय राम सब चल दिए मेला, घर को छोड़ अकेला। आगे पढ़ तू आगे पढ़, आज भोर ने सुबह सूरज ने एक किरण को जन्म दिया। सूरज ने, ये सूरज को है, हाँ नंदी की नंदी, पर हाय राम बिन ब्याही है। ये कैसा घोर अनर्थ किया, आगे पढ़ तू आगे पढ़। मन उकलाया कैसे बीतेंगे ये दिन ये रात, सो तो है सोचो कितनी ये बदनामी की बात। आगे पढ़ तू आगे पढ़, कल की बात सुनो आंखों में तनिक नींद ना आई, तभी चांदनी चुपके चुपके खिड़की से घुस आई। अच्छा चांदनी ये पनवाड़ी की छोरी, देखा सूना घर तो खिड़की से आई करने चोरी। अच्छा था फुलवा जो तेरे फूफा जाग रहे थे, आगे पढ़ तू आगे पढ़। बिरहा तन मन फूक रहा है कैसी है ये ज्वाला, तुम क्या गई हृदय की मानो सूख गई मधुशाला। घर के सब मेला में तेरे फूफा को चढ़ा बुखार, अब मैं ना रुक सकूं तुरंत तांगे में हुई सवार। सोच रहे विद्यासागर जब पाई होगी पाती, बरसी होंगी आंखें प्रियसी होगी मन अकुलाती। द्वार अचानक खुला खड़ी पत्नी धर चंडी रूप, विद्यासागर थे सकते, विद्यासागर थे सकते में कैसा बना स्वरूप। भौतनी थी अधर फड़कते और रत्नारे नैना, हाथ कमर पर वक्र दृष्टि और तीखे कटुए बैना। पूरी सुनकर बात सज्जन ने पीट लिया निज माथा, भूत प्रणय का सिर से उतरा खत्म हो गई गाथा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। साथियों, अगर आपको भी लिखने का शौक है और आप अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो ये शो आप ही के लिए है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ये रही।